हाय हेलो। और न्यू ईयर की शुरुआत हम किसी अच्छी चीज़ से करें। पूरी दुनिया ही बाहर होंगी, बाहर भी गए तो, बिकॉज बाहर न्यू ईयर में आपको तो सबसे पहले टेबल्स तो मिलेंगी नहीं, बेटर है कि आप घर पर ही अपना न्यू ईयर मनाएं। लेट्स सी। बेस्ट मेमोरीज तो मेरी लाइफ में आज तक कभी हुई नहीं है। डैड का बर्थडे होता था एंड यूज टू गो आउट, यूज टू हैव आइसक्रीम्स, वी यूज टू हैव माई डैड का बर्थडे एंड वी वेंट आउट विद फैमिली एंड वी हैड आइसक्रीम। मैंने बोला था कि डैडी देखो आपका बर्थडे पूरी दुनिया मनाती है। अगर मना करते हैं तो सुन लेनी चाहिए ना उनकी बात, ठीक है ना, खुश करना चाहिए उनको भी। सबसे पहले तो हाय हेलो। और आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। न्यू ईयर ऐसा है कि सब लोग चाहते हैं कि न्यू ईयर की शुरुआत हम किसी अच्छी चीज़ से करें। सो मेरा तो प्लान था उज्जैन जाने का, जो कि कैंसिल हो गया। क्योंकि कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत रश है, मैंने सुना था, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया। फ़िलहाल आप मत आइए। सो अभी का तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, बिकॉज आई थिंक जो भी ये बहुत सारा चर्चा हो रही है कोविड का, री स्टार्ट हो रहा है, कुछ अपर वर्जन आ रहा है उसका, न्यू वर्जन आ रहा है। सो आई थिंक के बहुत सारे लोग, आई थिंक पूरी दुनिया ही बाहर होंगी 31st के दिन, सब दुनिया ही बाहर होगी। तो आई प्रेफर के छोटा मोटा गेट टुगेदर, लेट्स सी, विल हैव घर में कर लेंगे या बाहर भी गए तो, बिकॉज बाहर न्यू ईयर में आपको तो सबसे पहले टेबल्स तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगे तो बहुत क्राउडेड होगी और अच्छी सर्विसेज नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो बेटर है कि आप घर पर ही अपना न्यू ईयर मनाएं। और सर के मैंने प्लान किया है कि मैं घर पर ही न्यू ईयर मनाऊंगी और आई डोंट गो एनीवेयर, बट उसके बाद लेट्स सी। एंड आई फील के आप लोगों को भी अपने फैमिली के साथ घर के अंदर कंफर्टेबल जोन में आई थिंक न्यू ईयर मनाना चाहिए, ना कि हॉश पॉश तरीके से बाहर जाके। बेस्ट मेमोरीज तो मेरी लाइफ में आज तक कभी हुई नहीं है, आई होप आगे हो। बट जब मैं छोटी थी तो हाँ, मेरे डैड का बर्थडे आता है न्यू ईयर्स के दिन, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोग फैमिली के साथ वी यूज़ टू गो आउट एंड यूज़ टू इन्जॉय टाइम्स। तो वो हमारे लिए बहुत एक स्पेशल टाइम होता था, जो आज तक मुझे बहुत धुंधा धुंधा सा याद है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, लाइक 5-6 ईयर्स की होंगी। डैड का बर्थडे होता था एंड यूज़ टू गो आउट, यूज़ टू हैव आइसक्रीम्स, वी यूज़ टू हैव, यू नो, छोटी मोटी चीज़ों में ना पहले बहुत खुशी मिल जाती थी और वो चीज़ें याद रह जाती थी। अब तो मतलब आप कुछ भी कर लो, आप खुश नहीं रहोगे लाइफ के अंदर, आप कुछ भी कर लो, यू नीड मोर एंड मोर इन लाइफ। तो मेरे लिए वो एक पल है जो मुझे हमेशा से ना मैंने अपने दिमाग में कैप्चर करके रखा है। माई डैड का बर्थडे एंड वी वेंट आउट विद फैमिली एंड वी हैड आइसक्रीम। और बहुत ठंड का टाइम था उस टाइम पे, 31st December, और मैंने बोला था कि डैडी देखो आपका बर्थडे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया नहीं, घर वालों ने ऐसा कभी रोका नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो एक टाइम ख़त्म होते दूसरा टाइम स्टार्ट होता है, वो थोड़ा सा ना एक थोड़ा हैवी होता है ना, एक उसका क्या बोलते हैं, एक वाइब्स होती है, एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी सी पावरफुल होती है उस टाइम पे। इसलिए शायद मेरे को लगता है बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, तो अगर मना करते हैं तो सुन लेनी चाहिए ना उनकी बात, ठीक है ना, खुश करना चाहिए उनको भी। सबको आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला साल आपके लिए सब अच्छा जाए, ऑल पॉजिटिव हो, और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव, और हमारे शो को हमेशा लाइक कीजिए, ओके, एंड चीयर्स टू आर शो अजूनी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस चैनल नेम इज़ वायरल टीवी एंड आई एम सिमरन खन्ना, एज यूजुअल आप सबकी फेवरेट। थैंक यू सो मच।